भाइयों के सामने मैंने कैसेट कंपनी की तरफ से पेश है किस्सा जमल फत्ता भाग नंबर दो। आपने सुना कि जब जमल ने अपनी माँ से कहा कि माँ चलो नाना के घर पर चलेंगे, यहाँ तो ये मेरा चाचा धोखा देगा, कदे न कदे मार देगा। अब दोनों माँ बेटा चल के कहाँ के कुंभनेर अपने मामा सोहल सिंह के पास आ जाते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं। जमल की शादी बचपन में ही बूंदीगढ़ से हो गई थी और जमल का मामा भी बूंदीगढ़ ब्याह रखा था। अब कुछ समय बाद जमल जवान हो जाता है तो उसकी मम्मी उसको देखकर उस पर मोहित हो जाती है, आशिक हो जाती है, जमल से उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है और वो जो उसकी मामी थी वो क्या कहती है और जमल क्या कहता है, दोनों की आपस में किस तरह से बातें होती हैं, क्या बताया भला। नोबडी हो ये कन्या गम्मे मामी लड़कू हो ये तू बूंदी गड्ढे है प्यार आख्या से मैं बूंदी गड्ढाई का पूरा बन है जब सब बंद रचल उड़े कोई बिरलाए डटता है जड़ हो जाता तलवार चंबल भैया बनी डांट किसी तीबन किसी चंगार चंबल धन बने किसी धन शरी ऋतु बने किसे मलार जमले धन बने किसी धन शरीर ऋतु बने किसे मलार जमले देख तेरा मम्मा ते बूढ़ा हो गया तेरा मम्मा ते बूढ़ा हो गया मैं तेरे बाद उम्र की पाली जमल समझाने लग गया किसा जुलम क्यों कर रही है, क्या कहता है। देखे तेरी नणंद का हा हा है तेरी ही नणंद का बेटा सूं कल यारी बे हो सम्मी मैं सुन निर्मल दूध गहू का सेम लगा दो सम्मी बेटे कुसंग चावे कुसल तुलसी से अपसो सम्मी मई मां गच्ची
समंदर की जब रावण बसे पड़ोस मुसी मई मांगती संसार भरा संसह का न्यारे न्यारे डंग जमली धन जोबन और रूप जवानी किसके चाल संग जमली नूरस गोरस गोरियांगा पान और पलंग जमली जित सामन हो उड़े सवैया न्यारे न्यारे रंग जमली जित सामन हो उड़े सवैया न्यारे न्यारे पुगले जब अच्छे लगे पुगले जब अच्छे लगे जब गट्टा लड़ावकारी तू पूंजी कड़े प्यारा क्या मैं पूंजी कड़े यारी तू पूंजी कड़े प्यारा क्या जती सती और मठ दहारी ने ले पैसा सात मनी केरी कैस भुंजम गमने पति भरता का दात मनी सूरा सतर करपण धनिये मरे लगन दे हाथ मनी सूरा सतर करपण धनिये टेम पे तो आनंद कर सो जमली गंगा ने आना भागीरथ ने जस मेरी आत्मा दो जमली संत समागम आही कथा तुलसी दुर्लभ दो जमली सुत तारा और लक्ष्मी ये घर बैरी कभी हो जमले सुत तारा और मैं प्यारी तू अर्थ रहता मैं गरीबा
ਚਾਲ ਡੂਬੇਗਾ ਜਰਾ ਹੋਣਾ ਬੇੜਾ ਨਾ ਪਰ ਮਾਮੀ ਨਮਕ ਹਰਮੀ ਕਹਿ ਬਾਣਦਾ ਦੇਸ ਕਰ ਤਕਰਾਰ ਮੰਮੀ ਘਰ ਖੋਵਾ ਆਓ ਮਾਸੀ ਬੜਬੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਮੀ ਚਰੀਆ ਤੋਂ ਗਲੇ ਕਾ ਹੋਸ਼ਰ ਚੰਤਾ ਕੀ ਮਾਰ ਮਾਮੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕਗੜੇ ਕਾ ਹੋ ਮਾਰ ਮਾਮੀ ਤੇਰੀ ਪਤਲੇ ਮੁਖੀ ਨਗਰ ਤੇ ਪਤਲੇ ਮੁਖੀ ਨਗਰ ਤੇ ਕਿਸਨ ਲਾਡਲ ਦਾ ਕਪਾਰੀ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਆਖਿਆ ਪਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਗੜੀ ਛੇ ਰੁੱਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਰਾ ਮਾਸ ਦੇ ਮਲੀ ਦਵਿਜ ਕੁੰਜ ਵੀ ਨੂੰ ਕਹਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੋ ਆਸ ਦੇ ਮਲੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਅੰਗਜ ਕੁਬਜ ਯੇ ਰਤੀ ਨਾਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇ ਮਲੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਅੰਗਜ ਕੁਬਜ ਯੇ ਰਤੀ ਨੀਨ ਪਾਸ ਦੇ ਮਲੀ ਹੋਏ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਭਰੀ ਖੀਰ ਕੀ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੋਤਾ ਰੱਖੇ ਕਹਡ ਮੰਮੀ ਮੰਨੇ ਤੇਰੀ ਤੰਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਬਤ ਕਿਤਣੀ ਆਡ ਮੰਮੀ ਕਿਤ ਜਾਏ ਕਿਤ ਉਪਜੇ ਓਰ ਕਦੇ ਲਡਾਏ ਲਾਡ ਮੰਮੀ ਬੇਰਾ ਕੋਨਾ ਇਸ ਖੋੜ ਕੇ ਕੜੇ ਖੰਡੇ ਲਾਡ ਮੰਮੀ ਬੇਰਾ ਕੋਨਾ ਮਾਮੀ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ।
और हाथ छुटा के अपना भाग जाता है वहां से। अब कुछ ही दिनों के बाद होली का त्योहार आया तो सभी लोग लुगाई फागन खेलते हैं और जम्मल एक कमरे में बैठा सोचता है आंखों में आंसू कि भाई किस तरह फाग खेल वाला तो तेरा नेके को ना मम्मा का रहा तू और क्या क्या विचार करता है क्या सोचता हूं लोग लुगाई ना फागन खेलते हुए देख के क्या बताया बता देखे जमल बच्चा था कमरे में फागण खेल लोग लोगाई टप टप आंसू पड़े नैन ते लगते ते तोड़े आई जमल बच्चा था कमरे में लोग लोग टप टप आंसू पड़े नैन ते लगते ते दौड़ें दी आई जमल बच्चा
कौन के जमल का मामा सोल आया न बोला अरे जमल उदास क्यों बैठा भाई के बात तेरी आंखा में पानी आया हुआ न कहना गया के मामा सब लोग लोग आई फाग खेलते हैं और मैं यू सोचू हूं कि मेरे पास कुछ भी समय नहीं कोई नेक नहीं मेरा मैं मामा का आर्या बता किसके साथ फाग खेलू न बोला अरे बावड़े तू खाम खा चिंता कर रहा है अरे तेरे नेक कितनी बतेरी भाभीस है उनके साथ फागन खेल ले। अब इतनी बात सुन के चेहरे पर कुछ खुशी ही आई रौनक आई और उठ के अर्जमल भाग खेलने के लिए चलता है और किस तरह से चलता है क्या बताया भला। नो बोला जमल हाली रे पेचकारी टेढ़ा चाल्या कवर खिलारी पाँच सात छो राके मारी फिर मैला में
बाबी जाग गया मेरा देख लिया बाबी का चेहरा है बिच्छू सा जड़े सुनहरी तार लाख रुपए की साड़ी हो जमल तेरी मम्मी चौक खड़ी देख तू तेरा तू कल काल हो देवरे तेरी ताबेदार मत मारे पचकारी हो जमल तेरी ताबेदार का
काबिरी को न्या खाया तेरा खान कसार चले कभी मन को न्या खाया तेरा खान कसार बलिए मैंने छोटू को ना जा बाकी मेरी उदारी भाभी तेरा ताजेदार मत मारे पेंशन कारी हो जमल तेरी ताजेदार मत मारे तके कंठी बुजनी मोहन मारा टूटिया चंदन हार कंठी बुजनी हार चंपा कली हवेल टूट गई मेरा टूटा बिंदी सार हो बड़े तेरी ताजेदार मत मारे चचकारी हो जमल तेरी ताजेदार मत मल ताजेदार हो जमरी तेरी ताजेदार हो जमरी मत ताजेदार तेरी ताजेदार री जितनी तू मटूट जी तेरी इब करा दूं त्यार जितनी तू मटूट जी तेरी री और धमाई ते बलबाजू भी सुनार रिपाती तेरा ताजेदार मत मारे पचकारी हो जमल हर मत मारे हर के गुण गाँव सुबह है सद हो जाएंगे काम हरे सब सद हो जाएंगे काम ओ मांगे राम कटारी लागी सब ते बोरी बीमारी लागी मम्मी के पते करी लागी जटे चेरा अपनी भाभियों के साथ फाग खेल रहा था तो जमल की मामी ने सोची कि आज अच्छा मौका है जमल को फंसाने का। तो जमल की भाभियों की टोली के बीच में आ जाती है और जमल की पिचकारी से उसकी मामी की साड़ी पर रंग गिर जाता है। तो जमल की मामी गुस्से में आकर केकन लगी नौकन लगी खेड तने शर्म नहीं आती तने मेरे पर रंग गिरा है न बोले अरे मामी धोखा बन गया मेरी गेला मैंने पता नहीं था अगर ना तो जान बूझ के गिरा है। अब क्रोधित होती है और उधर से जमल क्या कहता किस तरह से बातें होती हैं क्या बताया भला बोली लाख रुपए की साड़ी का जमले कर दिया सत्ता ना तड़के फांसी तड़वा है जूंजी जैसा के बदमाश ने लाख रुपए की साड़ी का जमल तड़के फांसी तड़वा है जूंजी जैसा के बदमाश ने
खाखा माली साहम सताया होली बारा रे साल तन बालक अपन तर देख रही सो बदली को चाल तन दारू पी के पचकारी में गाल लिया रंग लाल तन मेरे महल में आप बढ़िया रे कर दिया थोड़ी कमाल तने कर दिया थोड़ी अरे करसन बन के गोपनिया में करसन बन के गोपनिया में अरे करना चाया ना सतने तड़क के फंसी सुन के अपनी मामी की जमल क्या कहने लगा के मामी मेरा दोस्त नहीं है तू जानबूझ का करी है क्या कहा रूप धार के सत्य स्वरूप से सवाल किया मेरे ऊपर बोझ भार न्यू थर थर कपरी मेरा ही आगा वैष्णो जी ने बोला देवता मृत लोक कारी हुक्म दिया एक कला में गोकल के में गोपनिया में जन्म लिया गोपनिया में हेरी करसन के सावा पाल जती सुंगो करसन के सावा फांसी तड़वा देगी तोरी देसा की बदमाश मने लाख रुपये कर फांसी तड़वा देगी देसा की बदमाश मने जात कमीना कुल काहीना रे मेल मिलाना चाहवे संग अपनी गेला दुलहंडी कारे खेल खिलाना चाहवे करसन बनके गोपनिया में रास रचाना चाहवे मैं कह दूंगी तेरे मन मन बहु बनाना चावे से बहु बनाना चावे से आदत लगते रे दाब रही थी आदत लगते दाब रही थी तेरे कर दिए खोट पता सतने तड़के फांसी तड़वा दूंगी रे जैसा के बदमाश तने लाख रुपये की साड़ी का दम ले कर दिया सर
कुछ ओ डाले करो मानी जन सा खोटे बन्या मेरे ते तू भरी सभा में तो मानी चंद्रमा के शाही लावे त्रकड़े बसे बाओ मानी देखे मैं छतरी का बेटा सुमर कदे उठ जा छो मानी कदे उठ जा छो मानी देखे रजवाड़ा में ने धूम मत जा रजवाड़ा में धूम मत जा के धुके ताशी बाजने तड़के फसी पकड़वा देगी बेसा की बदमाश मने नेम धर्म ने जानू सू और ये जानू घूंघट गाती मैं जितनी छीट लाग रही साड़ी के ये तीर लाग रे छाती में रोज रोज का रासा हो जा दिया गेर पतंगारे पार्टी में कौन सातन है छोटा मन आवे देखू तेरे मती में देखू तेरे मती में अरे फाग नहीं यो खून की होली रे फाग नहीं यो खून की होली अरे चेता गंदरा सातन तड़के फांसी करवा दूंगी जैसा के बदमाश ने लाख रुपए की साहरी कदम ले कर दिया सब नाश तले की भी मम्मी ने बीजा वो दिन दुनी तेरी खोया था दरू भगत की मौसी ने भी जो ये बहन न टोया था पूरण मलकी मौसी ने भी बीज बगन का बोया था मैं वो है जमल सुमी तन साड़ी बनके मोया था साड़ी बनके मोया था देखे अपने मामा ने कह दूंगा फांसी करवा देगी जैसा की बदमाश मने लाख रुपए की साड़ी का टुकड़ी करके अनाज मने चुकर फांसी करवा देगी जैसा की बदमाश मने जैसा की सारी दुनिया कहा करे सारी दुनिया कहा करे वो बाण जन्म के हरामी रे छोटे बड़े की कान करे ना बोले सब के शामी रे आज तलक ते ओट रही थी तेरी कद लग करूं गुलामी रे माँ का भाई मामा हो से मामा की बहू मम्मी रे मामा की बहू मम्मी रे ओए मंगे राम धर्म का नीते मंगे राम धर्म का नीते अरे लटा दिया पे सवाल तड़के फांसी करवा दूंगी
एक बात क्या कही के ऋतु खाम खा के है, भांजा नमक खरामी नहीं होता, ये खाम खा की कवाहत चल रही है। मैं बताता हूँ कौन कौन मामा कर रहे, क्या कहा दखे इंदर सैनी रहा मम्मा के, इंदर सैनी रहा मम्मा के, नलका पासा ओला से अभिमन्नु भी रहा मम्मा के, लेख ब्यास का सोला से जमल भी आहर हम मम्मा के, कितना सादा भोला से देख मंगे राम रहे मम्मा के, बीस जला में रोला से, बीस जला में रोला से, कुछ तने कई कुछ मनर कई, कुछ तने कई कुछ मन कई, जमल अपनी मामी की बातों को सुन के भाई गुजारा ही वाड़ा भी नहीं होगा, तो वहां से चल के अपनी रानी शिशुवंदनी को लेकर अपने राजे जोधपुर की तैयारी करता है। लेकिन रास्ते में एक जंगल में चलते चलते एक भेड़ ब्याई हुई थी और एक भेड़िया उस भेड़ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भेड़ एक झुंड में बढ़ जाती है और जमल उस कहानी को देख के उसी जगह पर मेंढके नामक एक शहर बसा लेता है। तो जमल की रानी जमल तन्यु कहने लगी, महाराज एक काम कर लो, जो शहर पे बना लिया आप अपने चाचा ने और दावत को बुला लो और कुछ खाना पीना करो। तो जमल गुस्से में आ गया, छो में आ गया, बोला रे बावड़ी उससे के तो ये दुख दिए ओढ़ो है, तू उससे ना रे न्योता पाड़न बुलाओ है और छो मान के, और एक बात के द्वारा क्या कहने लगा क्या बता भला, साचा तवा के गाम बसा करें के पी गिर बन छाइनी छाइनी काले सरप दूध लावे मर मरवावे गिराई घेर राई काता पाह के काम बचा कर पिजी बन छाई बन छाई और कुछ उदाहरण देख के समझाता है कितने बेरा कोना कितना जालिम है वो। मैं बताता हूं क्या कहा, काला बाग हरियाणा था काटे गेर दिया राजा का बाग हरियाणा
बनी थी
मत नार फेर बगाड़ खाती मर लहू लकाड़ मत ना फेर बगाड़ खाती तू मेरे तो समझ नार घर में पाड़ तू समझान जो शाणी रे शाणी ओ ताता तवा के आगे राख के साथ सुनिए भाग नंबर 3 में धन्यवाद हमेशा खरीदिए मैना कैसेट हरियाणवी संगीत की दुनिया में तहलका मचाने वाली एक ही कैसेट जिसका नाम है मैना। जब भी खरीदें अपने नजदीकी दुकानदार से मैना कैसेट ही खरीदें। मैना कैसेट आपको हरियाणवी संगीत का पूरा पूरा मजा देती है। और हाँ, जब भी खरीदें मैना कैसेट खरीदते वक्त कैसेट पर मैना कंपनी का ट्रेडमार्क जरूर देख लेवे, क्योंकि घटिया और डुप्लीकेट कैसेट आपकी टेप रिकॉर्डर को तो खराब करती ही हैं और आपके संगीत का मजा भी किरकिरा करती हैं। इसलिए दोस्तों बहनों भाइयों सावधान, नकली घटिया और डुप्लीकेट कैसेटों से सावधान। हमेशा मैना कंपनी की ओरिजिनल टेप कैसेट ही खरीदें जो आपको हरियाणवी संगीत का पूरा पूरा मजा देती हैं।